वेलकम डियर फ्रेंड्स इन दिस वीडियो डेली करंट अफेयर फ्राम फर्स्ट अप्रैल टू टेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन इज वट इज द अप्रूव लोन अमाउंट एंड ड्यूरेशन फॉर यूक्रेन बाई द इंटरनेशनल मोनिट्री फंड एग्जीकटिव बोर्ड आई एम एफ के एग्जीटिव बोर्ड ने यूक्रेन के लिए लोन अप्रूव किया है तो जो लोन अप्रूव हुआ है उसकी अमाउंट कितनी है और ड्यूरेशन कितनी है सो द आंसर इज 15.6 बिलियन डॉलर फॉर फोर इयर्स, जो अमाउंट है दैट इज़ 15.6 बिलियन डॉलर्स और जो ड्यूरेशन है कि कितने ड्यूरेशन में वो किस्तों में यूक्रेन को पे करेंगे सो दैट इज़ फोर इयर्स, यानी चार साल में पे करेंगे नेक्स्ट इज़ कंट्री हैज़ टम्परली ब्लाड चेट जी ड्यू टू कंसर्नज अबाउट डेटा कलेक्शन पॉलिसी वायलेशन किस मुल्क ने रिसेंटली चेट जीपीटी को ब्लॉक किया है आरजी तौर पर और रीज़न क्या है ड्यू टू कंसर्न अबाउट डेटा कलेक्शन पॉलिसी वायलेशन असल में डेटा प्राइवेसी जो है वो उनका मेन कंसर्नस है सो द आंसर इज इटली नेक्स्ट इज वन इज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ऑब्जर्व ईयर टू सेट ट्रांसजेंडर पीपल एंड रेज अवेयरनेस ऑफ डिस्क्रमिनेशन फेस्ड बाई दम वर्ल्ड वाइड हर साल किस दिन को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है बेसिकली इसके पीछे मकसद क्या होता है कि जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको सेलिब्रेट किया जाए और वो जो भी इम्तियाजी सलूक वो वर्ल्ड वाइड फेस करता है तो इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो जाए तो हर साल ये किस दिन को मनाया जाता है सो द आंसर इज़ मार्च 31, और इसी साल भी मार्च 31 को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ऑब्जर्व की गई नेक्स्ट इज़ स्वर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द बिशा हाई कोर्ट पी ऑन मार्च थर्टी वन 31 मार्च दो को पहली दफ़ा किसी औरत ने चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट का हलफ लिया है तो ये कौन है सो द आंसर इज़ जस्टिस मुसरत हिलाली। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जस्टिस आयशा एम मलिक तारीख में पहली दफ़ा कोई ऐसी औरत है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस बनी है वो जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी थी और अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है नेक्स्ट इज़

और आई का कहना है कि इस इंसिडेंट के लिए जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ईरानियन साइल हैज़ बीन यूज्ड फॉर दिस क्वेश्चन इज विच पाकिस्तानी गेमर वन दैन कम्पिटीशन एट ईवू जापान ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऑन अप्रैल टू 2023 ट्वेंटी अप्रैल 2023? 2023 को कौन से पाकिस्तानी गेमर ने ईवू जापान 2023 में टेकन सेवन का कंपटीशन जीत लिया है सो द आंसर इज अरसलान सिद्दीकी यूशनो के जो टेकन सेवन है ये एक वीडियो गेम है फाइटिंग गेम है और ईवो जो है ये बेसिकली वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइटिंग गेम टूर्नामेंट होता है नेक्स्ट इज़ विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड एडिशनल फाइनंसिंग ऑफ थर्टीन मिलियन डॉलर फॉर द सेंट्रल एशिया साउथ एशिया इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड ट्रेड प्रोजेक्ट कासा वन थाउजेंड ऑन अप्रैल वन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यकम अप्रैल दो हज़ार तेईस को किस ऑर्गेनाइजेशन ने एडिशनल फाइनेंसिंग जो कि 13 मिलियन डॉलर का है अप्रूव किया है कासा 1000 को फाइनेंस करने के लिए सो द आंसर इज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो कासा 1000 ये बेसिकली एक एनर्जी प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो कि जो एडिशनल या सरप्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है करगज़िस्तान और ताजिकिस्तान में तो वो अफगानिस्तान को जाएगी पहले और अफगानिस्तान से होते हुए फिर पाकिस्तान पहुंच जाएगी एन ए टोटल इट इज़ अ थर्टीन हंड्रेड मेगावाट प्रोजेक्ट और टोटल जो इस पर एस्टिमेट लगाया जाता है तो टोटल इसका खर्चा आएगा दैट दैट इज वन पॉइंट वन सिक्स बिलियन डॉलर नेक्स्ट इज वाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जर्विंग वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे ऑन अप्रैल टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हर साल दो अप्रैल को वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है इसके पीछे मकसद क्या होता है द आंसर ईयर इज टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट आर्टिज्म इस्पेली इन चिल्ड्रन लोगों में अर्टिज़म के बारे में अवेयरनेस इंक्रीज़ करने के लिए स्पेशली बच्चों में ये अर्टिज़म बेसिकली होता क्या चीज़ है ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होता है जिसमें मसला ये होता है कि आपके जो इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन होता है या कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं या वीक होते और यूजअली बचपन में ही इसको एक बंदे में रिकगनाइज़ किया जाता है कि इसमें अर्टिज़म का मसला है नेक्स्ट इज़

नेटो इज़ नॉट सीकिंग न्यू मेम्बर्स इन द रीजन बट इज़ ओपन टू इंडियाज़ इंगेजमेंट पहली बात तो यह है कि नेटो जो है वो इस वक्त कोई नए मंबर्स को सीक नहीं कर रहे रीजन में मतलब एशिया या स्पेशली साउथ एशिया में लेकिन दूसरी जो बात इसने कही है कि नेटो इज़ ओपन टू इंडियाज़ इंगेजमेंट मतलब वजह ये कि नेटो का मम्बर बन जाए किसी और तरीके से वो इंडिया के साथ एंगेजमेंट के लिए रेडी है नेक्स्ट इज वट डिट द फॉरन ऑफिस ऑफ यूकेशिया यूके के फॉरन ऑफिस ने रशिया के फॉरन पॉलिसी को क्या नाम दिया है सो द आंसर ईयर इज अप्रैल अकॉर्डिंग टू यूक्रेन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हाउ मैनी यूक्रेनियन एथलेट्स लास्ट ईयर लाइज इन दॉर विद रशिया एंड हाउ मैनी स्पोर्ट्स फेसिलिटीजर डिस्ट्रॉइड यूक्रेन के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट जो वार विद रशिया चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रहा है इसमें कितने यूक्रेन एथलीट्स जो है वो मर चुके हैं और कितनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है वो तबाह हो चुकी है सो द आंसर ईयर इज 262 एथलीट्स एंड 363 फैसिलिटीज नेक्स्ट इज व्हेन डिड रशिया टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द प्रेजिडेंसी एंड हाउ द ड्रेजिडेंसी रूटेट रशिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल की सदारत कब संभाली है और कितने अरसे बाद ये सदारत जो है ये रोटेट होती है सुधानसरी अरेस अप्रैल फर्स्ट 2023 ट्वेंटी थ्री रशिया यू का प्रेसिडेंट बन गया है अप्रैल वन 2023 को और जो प्रेसिडेंसी है यू की ये हर महीने बाद रोटेट होती है मतलब नेक्स्ट महीने कोई और इसका मेंबर होगा बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके फिफ्टीन मेम्बर्स होते हैं एट वन टाइम उसमें जो पांच मेंबर्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं बाकी दस मम्बर जो है वो इलेक्ट होते हैं तो एट वन टाइम ये फिफ्टीन मेंबर्स होते हैं और हर महीने बाद इन में से एक मेंबर जो है वो यू एन ए सी का प्रेसिडेंट होता है और फिर अगले महीने कोई और जो है प्रेसिडेंट होता है इस तरह ये फिफ्टीन मम्बर्स के इर्द गिर्द ये रोटेट होता रहता है क्वेश्चन इज़ वट इज़ द मेन कंसर्न हाईलाइटेड इन दू इन रिपोर्ट रिलीज फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस ऑन अप्रैल फॉर हर साल 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस ऑब्जर्व किया जाता है तो इस साल यूएन ने इस डे के लिए एक रिपोर्ट रिलीज़ की है तो इस रिपोर्ट में मेन कंसर्न क्या हाईलाइट हुआ है सो द आंसर ईयर इज 70 कंट्रीज स्टिल हैव अनक्लियर लैंड माइंस ये रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त दुनिया के 70 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अभी भी अनक्लियर लैंड है नेक्स्ट इज ऑन अप्रेल टू टी ट्वेंटी बाई सऊदी अरबिया एंड अदर ओपेक प्लस प्रोड्यूसर्स रिगार्डिंग दियर आइल प्रोडक्शन दो अप्रैल दो हज़ार तेईस को सऊदी अरबिया और जो दूसरे ओपेक प्लस तेल पैदा करने वाले ममालिक तो उन्होंने तेल के पैदावार से रिलेटेड कौन सी अनाउंसमेंट की है सो द आंसर ईयर इज अवल्ट्री कट इन दियर आयल प्रोडक्शन बाई वन पॉइंट वन फाइव मिलियन बैरल पर डे ये ममालिक वक्त जो तेल पैदा कर रहे हैं तो इनका कहना है कि ये 1.15 बिलियन बैरल पर डे का कट लगाएंगे इस पैदावार में 1.15 मिलियन बराबर होता है ग्यारह लाख पचास हज़ार का इन्होंने जो ये अनाउंसमेंट की है इसके पीछे बेसिकली मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की इस वक्त जो कीमतें हैं ये थोड़े से बढ़ाया जाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए यू शुड नो कि जो ओपेक है ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बना था चौदह सितंबर 1960 को बगदाद में और इसके इस वक्त जो मेंबर्स है दैट इज़ थर्टीन मेंबर्स और जो ओपेक प्लस है इसके साथ कुछ और मेंबर्स जब मिल जाते हैं तो ग्यारह मेंबर्स वो बन जाते हैं तो टोटल ओपेक प्लस और ओपेक मिला के फिर ये बन जाते हैं ट्वेंटी फोर मेम्बर्स इसका हेडकोटर इस वक्त है वियाना ऑस्ट्रिया में वियाना कैपिटल है ऑस्ट्रिया का नेक्स्ट इज हो पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन फिनलैंड ऑन Finland टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड विच पार्टी डिड द डिफीट दो अप्रैल दो हज़ार तेईस को फिनलैंड में पार्लियामेंट्री इंतबात हुए तो किस पार्टी ने ये इंतखबा जीत लिए और कौन सी पार्टी को शिकस्त हुई सो द आंसर ईयर इज द नेशनल कोशन पार्टी वन एंड डिफीटेड द सोशल डेमोक्रेट्स जो नेशनल को पार्टी है इन्होंने इंतबात जीते और सोशल डेमोक्रेट्स को शिकस्त हुई सोशल डेमोक्रेट्स इस वक्त जो सिटिंग प्रेजिडेंट है सना मरीन तो सना मरीन जिस पार्टी से बिलोंग करती है दैट इज सोशल डेमोक्रेट्स और सना मरीन ने

ये उसकी पर्सनल आर्मी है और उसको वेगनर ग्रुप कहा जाता है नेक्स्ट इज वाट इज द आउटकम ऑफ द वूट बाई पेरेशियंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द फ्रेंच कैपिटल फ्रांस के कैपिटल पेरिस में इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड वोटिंग हुई कि ये स्ट्रीट्स में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए तो इसका आउटकम क्या निकला द आंसर ईयर इज दे वोट टू बैन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स एक बड़ी मार्जिन पर ये उठी हुई है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है वो स्ट्रीट्स में बैन किया जाए नेक्स्ट इज़ एन अप्रैल 3, 2023, व्हिच कंट्रीज बिगैन दर फर्स्ट एंटाई सबमरीन ड्रिल्स इन सिक्स मंथ्स। तीन अप्रैल 2023 को छः महीनों में पहली दफ़ा कौन से ममालिक ने अपना एंटाई सबमरीन ड्रिल्स शुरू किया है सो द आंसर ईयर इज साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया है कि इन्होंने कुछ बेलस्टिक मिजाइल्स जो है वो फायर किए हैं और इसके सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स किए तो अब इसके रिस्पांस में इन्होंने ये सबमरीन ड्रिल स्टार्ट किया है नेक्स्ट इज व्हाट डिड राहुल गांधी डू आफ्टर बीइंग कन्वेक्टेड एंड जेल्ड इन अ क्रिमिनल डिफेमेशन केस राहुल गांधी को कन्वर्ट किया गया है और उसको जेल सेंटेंस भी सुनाई गई है एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस में तो राहुल गांधी ने इसके खिलाफ रिसेंटली क्या डिसीजन दिया है द आंसर यर एज ही फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट हिज कन्वेक्शन एंड जेल सेंटेंस वो जो कन्वेक्शन हुई है और जो जेल सेंटेंस हुई तो उसके खिलाफ उसने अपील दायर की है कोर्ट में आपको पता होना चाहिए कि दो हफ्ते पहले गुजरात के कोर्ट ने राहुल गांधी को एक डिफेमेशन केस में दो साल जेल की सजा सुनाई थी राहुल गांधी ने दो में एक तकरीर के दौरान एक स्टेटमेंट दी थी कि जिस बंदे के सर नेम मोदी से शुरू होता है तो वो चोर होता है तो इसी बेस में गुजरात के दो बंदों ने उसके खिलाफ केस किया और फिर कोर्ट ने उसको डिफेमेशन केस पे या डिफेमेशन कन्वेक्शन पे दो साल की कैद की सज़ा सुनाई नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्रोपोज चेंज द वर्ल्ड बैंक इन द इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर द सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जिसको स्वाद के नाम से भी जाना जाता है रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने इसकी इंप्लीमेंटेशन प्लान में कुछ चेंजेस प्रपोज की है तो ये चेंजेस कौन सी है द आंसर ईयर इज़ टू अडाप्ट मिटिगेशन एक्टिविटीज़ मिटिगेशन एक्टिविटीज़ को करने का मकसद ये है कि इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उससे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस डेवलप होती है जिस तरह के अचानक फ्लड आ गए या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ गए तो इन चेंजेस को अडॉप्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने इनको प्रपोज किया है कि इस तरह की मिटिगेशन एक्टिविटीज़ को अडाप्ट किया जाए ये असल में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और तकरीबन जो इसका बजट बन रहा है दैट इज टू नाइन्टी टू मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज वट डिट इलान मास्क रिप्लेस द ट्विटर बर्ड लोगो विद ऑन अप्रैल फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री चार अप्रैल दो हज़ार तेईस को इलान मास्क ने ट्विटर का जो बर्ड वाला लोगो है उसको रिप्लेस किया है किस चीज़ से सो द आंसर इज़ अडोजी मीम राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि पहले जो बर्ड का लोगो होता था उसको रिप्लेस किया गया है इस तरह के डोजी मीम के साथ इलान मस्क आप सब जानते हैं कि इस वक्त ट्विटर का आनर जो है वो इलान मस्क है नेक्स्ट इज हाउ मेनी शॉप्स वर बाय द मैसिव फायर दैट रेज थ्रू अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन बांग्लादेश कैपिटल ऑफ डाका अप्रैल फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी चार अप्रैल 2023 को बांग्लादेश के दारुल हुकूमत डाका में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ी लेवल पे आग बढ़क उठी तो इससे कितने शॉप्स या कितने दुकान जो है वो इफेक्ट हो गए सो द आंसर ईयर इज थ्री थाउजेंड शॉप्स मतलब तीन हजार दुकानें इससे इफेक्ट हो गई नेक्स्ट इज वट इज़ द अपडेटेड ग्रोथ फोरकास्ट फॉर पाकिस्तान इकानमी बाय द वर्ल्ड बैंक इन द करंट ईयर रवा साल में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की इकानमी के बारे में जो प्रोडक्शन की है ग्रोथ के लिहाज से अपडेटेड प्रोडक्शन तो वो कौन सी है सो द आंसर ईयर इज़ ज़ीरो पॉइंट फोर परसेंट इससे पहले पिछले साल अक्टूबर दो हज़ार बाईस में जो वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट दिया था वो ये था कि पाकिस्तान की इकानमी टू परसेंट से ग्रो करेगी लेकिन अभी जिस तरह से इन्फ्लेशन और चीज़ें चल रही है तो वर्ल्ड बैंक ने अब ये अपडेट किया हुआ है अपना फ़ोरकास्ट और अब कह रहे हैं कि इकानमी पाकिस्तान की ज़ीरो पॉइंट फोर परसेंट से ग्रो करेगी नेक्स्ट इज़ वट इज़ द न्यू डेट सेट बाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान फॉर द पोज इन द पंजाब इसम्बली पंजाब इसम्बली के इंतबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान ने नया तारीख कौन सा दिया है सो द आंसर ईयर इज़ मई फोरटीन इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इस महीने में इलेक्शन करना मुमकिन नहीं है ड्यू टू डिफरेंट जो कि सिक्योरिटी सचुएशन है या इकनॉमिक सिचुएशन है तो नया डेट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया था डेट वॉज अक्टूबर एट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को अनकिट्यूशनल कहा है और नया डेट जो दिया है वो दिया है मई 14, 2023। नेक्स्ट इज बाय व्हाट परसेंटेज हैज है प्रोडक्शन डिक्रीज दिस ईयर एज कंपेयर टू द प्रीवियस सीजन अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द पाकिस्तान कार्टर गेनर एसोसिएशन पाकिस्तान काटर गेनर्स एसोसिएशन के डेटा के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान की जो काटन प्रोडक्शन है कपास की जो पैदावार है पिछले साल से कंपेयर करके इसमें कितनी फ़ीसद कमी हुई है सो द आंसर ईयर इज़ 34 परसेंट नीचे आप देख सकते हैं कि 2021-22 में जो पाकिस्तान की कार्टून प्रोडक्शन थी डेट वाज अबाउट 74 फोर लेग बेल्स और इस साल 2022-23 में जो कार्टून प्रोडक्शन है दैट इज़ कम डाउन टू 49 नाइन लेग बेल्स और बताया जा रहा है कि पिछले चार दहाइयों में ये सबसे कम प्रोडक्शन है नेक्स्ट इज़ What was द volume ऑफ oil सेल्स इन पाकिस्तान फॉर मार्च ऑफ़ दिस ईयर as compared टू फरवरी दिस ईयर एंड मार्च ऑफ द लास्ट ईयर अब पाकिस्तान के जो आयल सेल्स का वॉल्यूम है मार्च के महीने का अगर कंपेयर किया जाए फरवरी के महीने से और फिर पिछले साल के मार्च से तो ये वॉल्यूम्स कितने हैं सो द आंसर ईयर इज 1.22 मिलियन टनस इन फरवरी दिस ईयर दो के फरवरी में जो आयल सेल्स का वॉलीम था दैट मिलियन इस साल मार्च के महीने में जो सेल है दैट इज़ 1.11 मिलियन टन्स और पिछले साल मतलब 2022 के मार्च का जो सेल था दैट वाज 1.82 मिलियन टन्स तो आप देख सकते हैं कि 2023 के मार्च का अगर कंपेयर किया जाए 2023 के फरवरी का तो सिर्फ़ एक महीने में 9 परसेंट कमी आई है और फिर अगर 2023 के मार्च का कंपेयर किया जाए दो के मार्च का तो इक्कीस कमी आई हुई तो तेल के रेट जितने भी बढ़ गए हैं तो इससे ये असर पड़ गया है नेक्स्ट इज बाई वट परसेंटेज वर एक्सपोर्ट्स डाउन इन द फर्स्ट नाइन मंथ्स जुलाई टू मार्च ऑफ 2022-2023 टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू डेटा रिलीज बाई द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स ने एक डेटा रिलीज़ की है तो उस डेटा के मुताबिक 2022-23 के जो पहले नौ महीने हैं या करंट फिस्कल ईयर के जो पहले नौ महीने हैं तो उसमें हमारे एक्सपोर्ट्स कितने परसेंट गिर गए हैं सो द आंसर यर इज 9.87 परसेंट अभी आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो 2021-22 के पहले नौ महीने थे तो हमारे एक्सपोर्ट उसमें रहे 23.35 बिलियन डॉलर और जो 22 23 का ईयर है तो उसके पहले नौ महीने में एक्सपोर्ट रहे 21.07 बिलियन डॉलर तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 9.87 परसेंट की डिक्रीज़ बन जाती है नेक्स्ट इज़ बाई हाउ मैनी बेसिस पॉइंट हैज़ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस बी पी डिसड टू इंक्रीज द पॉलिसी रेट एंड वट इज़ द न्यू पॉलिसी रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि पॉलिसी रेट को बढ़ाया जाए तो जो नया पॉलिसी रेट है वो कितने बेसिस पॉइंट से पढ़ाया गया है और नया पॉलिसी रेट किया है सो द आंसर यर इज़ हंड्रेड बी पी एस मतलब जितने बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया है दैट इज़ हंड्रेड बी पी एस और नया पॉलिसी रेट है ट्वेंटी वन परसेंट बेसिस पॉइंट जो बेसिकली है दैट इज़ हंड्रेड ऑफ वन परसेंट मतलब एक परसेंट के सवे हिस्से को बेसिस पॉइंट कहा जाता है तो हंड्रेड बी को आप वन परसेंट भी कह सकते हैं नेक्स्ट इज होजीन हैंड अ टू ईयर बैन फ्राम आर स्पोर्ट बाई यू के एंटी डोपिंग आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अ प्राहीबिटेड सबस्टांस किस बंदे को यू के एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक ममनुआ सबस्टांस के लिए पॉजिटिव टेस्टिंग की वजह से दो साल का या दो साल के लिए बैन किया है सो द आंसर ईयर इज़ आमिर ख़ान आमिर ख़ान जो कि पहले वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुका है उसको दो साल बैन की सज़ा सुनाई गई है क्वेश्चन इज वट इज़ द रीज़न फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ई सी पी टू इशू अ रिवाइज कैजअल एज माई फोरटीन फॉर पंजाब इसम्बली पोल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिवाइज कैजूअल इशू किया है कि चौदह मई दो हज़ार तेईस को पंजाब के सूबाई इलेक्शन होंगे तो इस रिवाइज कैजूअल के पीछे वजह क्या है सो द आंसर यर इज़ फॉलोइंग द डायरेक्टिवज़ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल दो हज़ार तेईस को फ़ैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है कि आठ अक्टूबर दो हज़ार तेईस को पंजाब के सूबाई इसम्बली के इंतबात होंगे तो ये तारीख जो है ये अनकंस्टिट्यूशनल है और मई चौदह को जो है वो पंजाब के एलेक्शन होंगे तो अभी इलेक्शन कमीशन ने वो डायरेक्टर्स फ़ॉलो करते हुए ये रिवाइज कैजल दिया है कि मई फोरटीन को पंजाब इसम्बली पोल्स होंगे नेक्स्ट इज वट डिड द फॉरन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान क्रिटिसाइज द ब्रिटिश होम सक्रेटरी फॉर पाकिस्तान के फारन ऑफिस ने ब्रिटिश के होम सक्रटरी को किस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया है तो आंसर आंसरियर इज हर डिस्क्रिमिनेटरी एंड जीनोपोबिक रिमार्क्स ऑन पाकिस्तानी मेन ब्रिटिश के होम सक्रटरी स्वेला ब्रेवर मैन ने रिमार्क्स दिए थे पाकिस्तानी मेन के बारे में कि दे होल्ड कल्चरल वैल्यूज एट आर्ट्स विद ब्रिटिश वैल्यूज और इस तरह कुछ और भी जिनोपोबिक रिमार्क्स थे तो इस पर पाकिस्तान के फ़ारन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उनके इस रिमार्क्स को क्रिटिसाइज़ किया है ज़िनोपोबिक बेसिकली वो लोग है होते हैं या जिनोपोबिक रिमार्क्स वो रिमार्क्स होते हैं जब एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के लिए प्रेजुडस रखते हैं या एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लिए प्रेजस रखते हैं तो इसको हम कहते हैं या ज़िनोपूबिया कहते हैं नेक्स्ट इज़ What did Iran announce on April 4, 2023 डिड its relations with रिगार्डिंग United अरब Emirates? ईरान ने यूएई के साथ तल्लत के लिहाज से एक नई अनाउंसमेंट की है तो ये अनाउंसमेंट किया है दानसरी रेज ईरान एन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड अरब इमेरेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सेंस ट्वेंटी सिक्सटीन के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि ईरान ने अपना एक एम्बेसडर अपॉइंट किया है यूनाटेड अरब इमेरेट्स के लिए 2016 में सऊदी अरबिया ने एक शिया क्लरिक जिसका नाम था निमर अलिमर उसको प्रोसिक्यूट किया उसको फांसी दी तो उसके रिएक्शन में ईरान में बहुत सारे मुजाहरे हुए और इवन सऊदी एम्बेसी जो है ईरान में उसको जलाई गई तो इसके बाद जो ईरान और गल्फ़ कंट्रीज़ के रिलेशंस थे वो स्ट्रेन हो गए इवन अपने डिप्लोमेटिक मिशन वगैरह सारे काट लिए तो अभी जो रिसेंटली डिवलपमेंट्स हो रही है सऊदी ईरान के बीच में जो नगोसिएशन हो रही है और इसके बाद जितने भी सारे गल्फ कंट्रीज़ के साथ ईरान की निगोसिएशन हो रही है तो इसके तनाज़ु में यह एक बड़ा स्टेप है कि अभी ईरान ने अपना एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है यू को नेक्स्ट इज़ हो स्टेप डाउन फ्राम द पोजीशन ऑफ स्पेशल असटेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अप्रैल फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री चार अप्रैल 2023 4 2020, को किस शख्सियत ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन से इस्तीफ़ा दिया है सो द आंसर इज़ फहद हुसैन नेक्स्ट इज़ वट हैज़ अफगान अफगानामेन हो यूनाइटेड यूनाटिश एम्प्लॉज़ इन ईस्टर्न एंगरहार प्रावेंस अकॉर्डिंग टू द यू एन मिशन यूनाइटेड नेशन के मिशन के मुताबिक जो कि अफ़गानिस्तान में काम करता है तो वो अफगान औरत है जो कि यूनाइटेड नेशन के एम्प्लॉज़ है और उनके साथ काम करती है उसके बारे में अफगान हुकूमत ने क्या डिसीजन लिया है सो द आंसर ये देव बीन प्रिवेंट फ्राम वर्किंग अब अफगान हुकूमत के करंट जो रिजीम है उसकी तरफ से ये आर्डर्स इशू हुए हैं कि जितने भी वोमेन है एन के साथ आया एन के साथ पहले भी एक आर्डर आया था अब यू के साथ जी जितने भी वामन एम्प्लॉज़ हैं उन सारों को रोका गया है काम से नेक्स्ट इज वट डेड चाइना वन यू स्पीकर केवन मेकारती अबाउट एन रिगार्ड्स टू मीटिंग विद ताइवान प्रजिडेंट साई एंगवेन ताइवान के प्रजिडेंट साई एंगवेन इस वक्त अमरीका में है और उसकी मुलाकात कैजुल है यूएस के हाउस स्पीकर केवन मेकारती के साथ तो चाइना ने इसके बारे में क्या वार्निंग दी है सो द आंसर यर इज नॉट टू रिपीट पास मिस्टेक्स डेट वुड नॉट हेल्प रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी यू यू इसको कहा है कि पास मिस्टेक्स माजी के जो गलतियाँ हैं वो दोबारा रिपीट ना करें और ये जो कुछ वो कर रहे हैं ये जो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी है इसके लिए हेल्पफुल नहीं है यू इस हाउस स्पीकर जो होता है वो तीसरे नंबर पर सीनियर मोस्ट पोलिटिकल ऑफिस होल्ड करता है जो सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल ऑफिस होता है वो प्रेसिडेंट होता है उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स होता है और तीसरे नंबर पर जो सीनियर मोस्ट पोजीशन है दैट इज यूएस हाउस स्पीकर जो कि इस वक्त केवन मेकारती है नेक्स्ट इज विश मैगजीन पब्लिश अ कवर स्टोरी ऑन फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विद द टाइटल द एस्टानिशिंग सागा ऑफ इमरान खान रिसेंटली एक बहुत ही मशहूर मैगजीन ने एक कवर स्टोरी पब्लिश की है और इस कवर स्टोरी को नाम दिया है द एस्टानिशिंग सागा ऑफ इमरान खान जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिलेटेड है तो ये कौन सी मैगज़ीन ने पब्लिश की है सो द आंसर इज टाइम मैगजीन नेक्स्ट इज़ विच कंट्रीज फ्लैग हैज़ बीन रेज इन फ्रंट ऑफ नेटो हेड कोार्टर इन ब्रसल्स इंडिकेटिंग इट्स फुल मेम्बरशिप इन नैटो चार अप्रैल 2023 को किस मुल्क का झंडा नेटो के हेड कोार्टर के सामने है? जो कि ब्रसल में है लहराया गया है जो कि इस बात की इंडिकेशन है इस बात का इशारा करती है कि वह मुल्क नेटो की फुल मेंबर कंट्री बन गई है सो द आंसर इज़ फिनलैंड आपको पता है कि फिनलैंड बहुत अरसे से नेटो का मेंबर कंट्री बनना चाहता है लेकिन टर्की ने उसकी मेंबरशिप रू की थी नेटो के फिनलैंड को ज्वाइन करने से पहले नैटो की कुल मम्बरशिप जो थी वो तर्टी थी तो अगर फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करता तो थर्टी के थर्टी मेंबर्स के पार्लियामेंट से उसकी अप्रूवल होनी थी तो इससे पहले टर्की से पहले ट्वेंटी नाइन कंट्रीज़ के पार्लियामेंट ने अप्रूवल दी थी लेकिन सिर्फ टर्की का पार्लियामेंट रहता था तो टर्की तर्... के पार्लियामेंट ने एक हफ़्ते पहले उसकी अप्रूवल दी दी और अब फिनलैंड जो है एज अ फुल मेंबर नेटो का मेंबर बन गया है क्वेश्चन इज़ वी आर डेट द फारन मिनिस्टर्स ऑफ इरान एंड सऊदी अरबिया होल्ड दियर फर्स्ट फार्मल मीटिंग ऑन अप्रैल सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन उवन ईयर्स सात सालों में पहली दफा छः अप्रैल दो हज़ार तेईस को इरान और सऊदी अरबिया के फारन मिनिस्टर्स ने अपनी पहली फार्मल मीटिंग कहाँ पेहेल्ड की सो द आंसर ईयर इज़ बीजिंग नेक्स्ट इज वट इज द नेम ऑफ द्लोबल पुलिस ऑपरेशन दैट शट डाउन जेनेस मार्केट वन ऑफ दर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर स्टोलन आइडेंटिटीज एंड पासवर्ड्स ए ग्लोबल पुलिस ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है जिसने जेनेसिस मार्केट को शट डाउन किया है जेनेसिस मार्केट बेसिकली क्लेम किया जा रहा है कि ये रशिया से ऑपरेट कर रहा था और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस था जहाँ पर आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा था और इस तरह पासवर्ड भी लोगों से चोरी हो रहे थे और फिर दूसरे लोगों को वो बेच दिए जाते थे तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है सो द आंसर इज ऑपरेशन कुकी मांस्टर इस ऑपरेशन ने इस ऑपरेशन को बेसिकली सत्रह मुल्कों ने कम्बाइन कंडक्ट कराया है और इसको लीड किया है अमेरिकन एफबीआई और डच पुलिस ने नेक्स्ट इज़ इन विच कंट्री विल द नेक्स्ट एडिशन ऑफ़ द एशियन कप बिहेल्ड फ्राम जनवरी ट्वेल्थ टू फरवरी टेन इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इज़ कन्फर्म बाई द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन जिसको एफ सी के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने रिसेंटली कन्फर्म किया है कि बारह जनवरी से लेकर दस फरवरी के बीच में बारह जनवरी टू तो दस फरवरी दो हज़ार चौबीस के बीच में एशियन कप का नेक्स्ट एडिशन जो है वो मनक़द होगा तो ये किस मुल्क में मनकद होगा सदा आंसरी अरेज़ कतर आपको पता होना चाहिए कि जो एशियन कप है ये बेसिकली एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट होता है जिसमें चौबीस ममालिक शिरकत करते हैं और वो चौबीस के चौबीस एशिया से ही बिलोंग करते हैं नेक्स्ट इज वट इज़ द इंक्रीज इन डोमेस्टिक डेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट एट मंथ्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले आठ महीनों के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डोमेस्टिक डेप्ट है तो उस कर्जे में कितना इजाफा हुआ है द आंसर ईयर इज रुपीज़ थ्री ट्रिलियन यू कैन से जून 2022 में पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक डेप्ट था डेट वाज 31.037 ट्रिलियन अब ये 31 ट्रिलियन से बढ़कर फरवरी में हो चुका है 34 ट्रिलियन नेक्स्ट इज इन विच एरियाबर पख्तनख्वास साउथ वजीरस्तान डिस्ट्रिक्ट डेड द इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आई बी ओ टेक प्लेस आन अप्रैल फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन विच एरिस्ट वोल्जर वायरड आईस पी आर ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है साउथ वजीरस्तान में पाँच अप्रैल दो हज़ार तेईस को जिसमें आठ दहशत गर्दों को मारा गया है जबकि एक सिपाही जो है पाक आर्मी का वो शहीद हो गया है तो ये ऑपरेशन बेसिकली वजीरिस्तान मतलब साउथ वजीरस्तान के कौन से इलाक़े में कंडक्ट हुआ है सो द आंसर यर इज़ शिन वर्सक एरिया ऑफ खेबर पख्तनख्वास साउथ वजीरस्तान डिस्ट्रिक्ट मतलब साउथ वजीरस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके शिन वर्सक एरिया में नेक्स्ट इज़ हु आर नूरजहाँ एंड मधुबाला इन कराची ज़ू कराची ज़ू में नूरजहाँ और मधुबाला कौन है सो द आंसरीयर इज़ टू फीमेल एलिपेंट्स असल में आजकल न्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा आ रहा है कि नूरजहाँ का जो हेल्थ है वो जो है वो कंटीन्यूसली डिटेरियोरेट हो रही है इस तरह मधुबाला के हेल्थ से भी जो काफी है ना काफ़ी इशूज़ सामने आए हैं बाहर से टीम्स भी आए हैं तो अब पूछा जा सकता है कि बेसिकली ये नूर जहाँ और मधुबाला है कौन बेसिकली ये है सिस्टर्स और इनको अफ्रीका से लाया गया था और ये कराची ज़ू में है आज कल इनकी मेडिकल कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है तो बाहर से एक टीम भी आया हुआ है इनकी इलाज करवाने

फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानल मैक्रोन इस वक्त चीन के दौरे पे है और चीन में एक स्पीच के दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है एक मेजर रोल वाली और दूसरी वेलकम किया है चाइनीज़ विलिंगनेस टू कमिट टू अ रेजोल्यूशन नेक्स्ट इज वट डिड इरानसैन आमिर अब्दुल्ला हेन एंड सऊदी अरबिया प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद साइन एन एग्रीमेंट टू डू इन दियर म्यूचुअल कंट्रीज़ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लान और सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फ़रहान अल सऊद ने एक एग्रीमेंट साइन किया है तो इस एग्रीमेंट के तहत ये आपस में एक दूसरे के मुल्कों में क्या करेंगे सो द आंसर यर इज़ टू री ओपन एम्बेसीज़ एंड कौंसलर्ट्स इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन की है अब दोनों फॉरेन मिनिस्टर चाइना में है और वहाँ पर ही इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन की है कि एक दूसरे के ममालिक में जो एम्बेसीज़ है और कौंसिलर्स है वो री ओपन करेंगे दो हज़ार सोलह से दोनों ममालिक के दरमियान जो एम्बेसीज़ है और कौंसिलर्स वो बंद है और डिप्लोमेटिक रिलेशन इन्होंने इन कट ऑफ किए हुए थे तो अब रिसेंटली जो डिवलपमेंट्स हो रही है तो वो डिवेलपमेंट्स इस हद तक पहुँच गई है कि अब इन ये दोनों ममालिक एक दूसरे के ममालिक में अपने एम्बेसीज़ और कौंसलियर जो है वो दोबारा ओपन कर रहे हैं नेक्स्ट इज़ हुआ स्टेप टू डेथ एंड सान फ्रांसिस्को एंड अप्रैल फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन एन अपेरेंट रेंडम मगिंग चार अप्रैल दो हज़ार तेईस को सान फ्रांसिस्को में एक अहम शख्सियत को स्टैप टू डेथ किया गया है स्टैप टू डेथ का मतलब ये है कि किसी बंदे को चूरियो वगैरह से मारना और बाज़ार ये क्या दिखाई दे रहा है रेंडम मगिंग रैंडम मगिंग का मतलब ये है कि आप किसी को से चूरी करते हो और चूरी के दौरान उस पर तशद करें मतलब स्ट्रीट क्राइम जिस तरह होते हैं तो उसको रैंडम मगिंग कहते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज कैश फाउंडर बाबली बाबली जो कि कैश एप का फाउंडर है तो ही हैज बीन स्टेप टू डेथ इन सैन फ्रांसिस्को अप्रैल फॉर क्वेश्चन इज व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द लोन एग्रीमेंट साइन बिटवीन सऊदी अरबिया एंड पाकिस्तान ऑन अप्रैल टू सपोर्ट द मोहम्मद मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट सात अप्रैल दो हज़ार तेईस को पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के दरमियान एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है मोमन डैम प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए तो ये जो लोन है इसकी वैल्यू कितनी है इसके अमाउंट कितना है सो द आंसर ये इज़ टू फोर्टी मिलियन डॉलर मतलब ये है कि सऊदी अरबिया इस डैम प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को टू फोर्टी मिलियन डॉलर लोन देगी नेक्स्ट इज अनविच डेट इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन याब्ल्यू एच ओ के स्पॉन्सरशिप के तहत हर साल किस दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है सो द आंसर ईयर इज सेवन अप्रैल और इस साल यानी 2023 को भी सेवन अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे सेबरेट किया गया नेक्स्ट इज वट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे फॉर द ईयर ट्वेंटी साल 2023 के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम किया है हर साल जब वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है तो उसका एक थीम होता है इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम किया है सो द आंसर ईयर इज हेल्थ फॉर आल नेक्स्ट इज वट डेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अनाउंस ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे वर्ल्ड हेल्थ डे पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कौन सी अनाउंसमेंट की है सो द आंसर ईयर इज लॉन्च ऑफ द गवर्नमेंट्स फर्स्ट डेडिकेटेड मेंटल हेल्थ ऐप हमराज हेल्पलाइन पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट की जो पहली डेडिकेटेड मेंटल ऐप है जो कि हमराज के नाम से है उसको लॉन्च किया गया है और दूसरी बात मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक हेल्पलाइन को भी लॉन्च किया गया है नेक्स्ट इज विच हार्डकोर मिलेटेंट अकॉर्डिंग टू आई एस पी आर वॉज़ कैप्चर्ड रिसेंटली सात अप्रैल 2023 को इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन या आई एस पी आर ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें डिटेल से बताया गया है कि किस तरह एक हार्डकोर मिलेटेंट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा है तो ये हार्डकोर मिलिटेंट कौन है सो द आंसर ईयर इज़ द फाउंडर ऑफ द बैंड मिलिटेंट ग्रुप बलोच नेशनल आर्मी बेन ए गुलजार इमाम एलियास शामबे बलोच नेशनल आर्मी जो कि पाकिस्तान में एक बैंड आउटफिट है जिसको एक मिलिटेंट आउटफिट माना जाता है इसका जो फाउंडर है गुलजार इमाम जिसको शाम्बे के नाम से भी जाना जाता है इसको कैप्चर किया गया है नेक्स्ट इज What was announced by Ishaq Dar on April 6, 2023 regarding Hajj? 6 April 2023 ko Pakistan ke को पाकिस्तान के Dar ne Hajj डार ने हज से रिलेटेड कौन सी अनाउंसमेंट की है so the answer here is no ईयर for Hajj will be conducted this year. Ishaq Dar ka kehna hai का कहना है कि इस साल हज के लिए कोई बेलेटिंग नहीं होगी द रीज़न इज़ कि जो हज के एप्लीकेंट्स हैं, दैट इज़ फार लेस जो पाकिस्तान का कोटा है हज में तो उससे काफ़ी कम है बैलेटिंग तो उस वक्त होती है जब एप्लीकेंट्स अवेलेबल वैकेंसीज से ज़्यादा होते हैं क्योंकि अभी अवेलेबल वैकेंसीज से एप्लीकेंट्स कम है तो इसी वजह से बैलेटिंग नहीं होगी हज के लिए और जो भी अप्लाई करेगा मतलब तकरीबन सारे जाएंगे नेक्स्ट इज वट वाज द रिजोलूशन पासड बाय द नेशनल असम्बली ऑन अप्रैल सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रिगार्डिंग द वर्डक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थ्री जज बेंच सुप्रीम कोर्ट के तीन जज बेंच ने पिछले दिनों एक डिसीजन दिया था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये डिसीजन कि इलेक्शन अक्टूबर एट को कराया जाए इसको अनकंस्टिट्यूशनल करार दिया था और मई 14 2023 इलेक्शन के लिए डेट दिया था तो अब इस फैसले से मुतलिक नेशनल असम्बली में एक रेजोलूशन पास हुआ है तो ये रेजोलूशन कौन सा है सो द आंसर ईयर इज रिजेक्शन ऑफ द वक्ट टू होल्ड इलेक्शन इन पंजाब ऑन मई फोरटीन इस रेजोलूशन के तहत इस वार्डिकट को रिजेक्ट किया गया है कि पंजाब में 14 मई 2023 को प्रोवेंशल इलेक्शंस कंडक्ट किया जाए इसके अलावा इस रिजोलूशन के तहत प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को भी पाबंद किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को ना माने नेक्स्ट इज वट डिड द इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा कन्फर्म रिगार्डिंग वाटर शार्टज फॉर खरीफ इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जिसको अर्सा के नाम से जाना जाता है इसने रिसेंटली इस साल खरीफ के लिए वाटर शार्टेज के बारे में एक कन्फर्मेशन की है ये कन्फर्मेशन कौन सी है सो द आंसर यर इज़ थर्टी सेवन परसेंट वाटर शॉर्टेज इर्सा का कहना है कि इस वक्त खरीफ के फसलों के लिए हुआ, जो पानी की कमी है दैट विल बी थर्टी सेवन परसेंट फ्राम द नॉर्मल नेक्स्ट इज़ वी आर विल देंट्रल स्पोक्स मैन फॉर अफगानिस्तान तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन जबील्ला मुजाहिद मूव हिज ऑफिस फ्राम कैपिटल अफगानिस्तान तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंट्रल स्पोक्स मैन है दैट इज़ जबील्ला मुजाहिद वो अपना ऑफिस कैपिटल यानी दारोलखिलाफे से कहाँ पर मूव करेगा सो द आंसर यर इज़ कंदहार यू शुड नो कि दिस इज़ अ कामन थिंग कि जहाँ पे भी सेंट्रल ऑफिस होते हैं जिस तरह सेंट्रल स्पोक्समैन वगैरह हो गए तो उनके आफिसेज़ यूजली दारखिलाे में ही होते हैं और अफगानिस्तान का कैपिटल काबल में है तो अभी तक जबील्ला मुजाहिद का ऑफिस भी कैपिटल यानी काबल में ही था लेकिन रिसेंटली ये डिसीजन सामने आया है कि अभी वो अपना ऑफिस मूव करेगा कंदहार को द रीज़निंग के थोड़ा सा इनका सिस्टम डिफरेंट है जो सुप्रीम पावर होता है और जिसके साथ सुप्रीम अथॉरिटी होती है तालिबान की सो दैट इज़ सुप्रीम लीडर और वो सुप्रीम लीडर इस वक्त कंदहार में बैठा हुआ है दैट इज़ शेख हबुल्लाखुनजादा तो दैट इज़ द रीज़न के जबील्ला मुजाहिद भी कंदहार मूव कर रहा है नेक्स्ट इज हो लुक्स सेट टू मिस द वन डे वर्ल्ड कप इन इंडिया लेटर दिस ईयर आफ्टर रपचरिंग अनगामेंट क्रिकेट के कौन से बड़े खिलाड़ी को इस वक्त नी इंजरी हुई है तो इसकी वजह से लगता है कि इंडिया में जो इस साल वन डे वर्ल्ड कप होगा तो वो इसको मिस करेगा सो द आंसर हियर इज़ न्यूज़ीलैंड कैप्टन केन विलियमसन केन विलियमसन इस वक्त न्यूज़ीलैंड का कप्तान है और उसको नी इंजरी हुई है तो इसी वजह से मोस्ट प्रोबेबली वो इस वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर सकेगा बाकी वर्ल्ड कप के बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए कि जो वन डे वर्ल्ड कप है इस साल वो इंडिया होस्ट करेगा और पाँच अक्टूबर से शुरू होगा और उन्नीस नवम्बर दो को ख़त्म होगा इसमें कुल दस पार्टिसिपेंट्स होंगे और कुल फोर्टी एट मैचज़ कंडक्ट कराए जाएंगे नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2023 अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बारे में कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना एक्सपेक्टेड है आंसर ईयर इज थ्री परसेंट आई एम एफ ने स्टेटमेंट दी है कि शायद थ्री परसेंट से थोड़ा सा नीचे रहे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहे और अगले पांच साल के लिए भी बताया है कि ये तीन परसेंट के आस पास ही रहेगा क्वेश्चन इज वट इज प्रेजिडेंट आरिफ एल रीजन फॉर रिटर्निंग द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल टू पार्लियामेंट ऑन अप्रैल एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तीस मार्च दो हज़ार तेईस को सीनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक बिल पास किया जिसका नाम था द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 इस बिल को प्रेसिडेंशियल एसेंड के लिए प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के पास भेजा गया इस बिल का मकसद यही था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास सोमोटो पावर्स है तो वो इन पावर्स से महरूम किया जाए तो अभी 8 अप्रैल 2023 को आरिफ अलवी ने यह बिल वापस भेजा है और इसके साथ कुछ रीज़न भी दिए है तो वो रीज़न किया है सो द आंसरी अरेज द प्रोपोज लजस्लेशन इज़ आउटसाइड द जीरोजक्शन ऑफ द लेजस्लेटि बॉडी लजस्लेटि बॉडी क्या चीज़ होती है लजस्लेटि बॉडी वो पार्लियामेंट बेसिकली होता है कि जो आपका लजस्लेशन करता है क़ानून बनाता है तो पाकिस्तान में क़ानून जो बनाता है तो देट इज़ नेशनल इसम्बली एंड सेंनेट तो आरिफअलवी का कहना यह है कि जो प्रोपोज लजस्लेशन है सोमोटो पावर्स हटाने के तो ये ज्यूरोन से बायर है जो लजस्लेटि बॉडी है इनकी जीरोजिक्शन से बायर है इसके अलावा आरिफलवी ने यह भी कहा है कि ये एक कलरफुल लेजिस्लेशन है कलरफुल लेजिस्लेशन का मकसद ये होता है कि जब एक काम डायरेक्ट नहीं हो सकता तो किस इसको कुछ और रंग दे के कोई और मकसद इसके साथ हासिल हो जाए लेकिन जो ओरिजिनल मकसद है तो उस तक को दूसरी मकसद के ज़रिए पहुंच जाए इसको कलरफुल लेजिस्लेशन कहा जाता है तो इसी वजह से सेफ़लवी ने इसको ये भी कहा है कि ज्योरिस्डिक्शन से बाहर है और दूसरा इसको कलरफुल लेजिस्लेशन भी कहा है नेक्स्ट इज़ अन अप्रैल से हेल्थ डिपार्टमेंट साइन अमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम ओ यू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू रीबिलटेट वन फिफ्टी फ्लड हेड प्रायमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन ट्वेंटी वन डिस्ट्रिक्स ऑफ द बलूचिस्तान प्राविंस सात अप्रैल दो हज़ार तेईस को हेल्थ डिपार्टमेंट ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एम ओ यू साइन की जिसके तहत वो एक सौ पचास फ्लड हेड प्रायमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो रिहेबिलिटेट करेगा तो आपको पता है कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा फ्लड आया था पिछले साल तो इसी वजह से बहुत सारे जो हेल्थ केयर सेंटर्स थे वो तबाह हो गए थे तो अब इसको रीहेबिलिटेट करने के लिए ये एम साइन की गई है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या डब्ल्यू एच ओ नेक्स्ट इज़ टर्की हैज एग्रीड टू स्टॉप द ट्रांजिट ऑफ सेंक्शन वेस्टर्न गुड्स टू टूडे आफ्टर प्रेशर फ्राम द जी सेवन जी सेवन से प्रेशर की वजह से टर्की अब इस बात पर एग्री हो गई है कि वो जो सेंक्शन वेस्टर्न गुड्स है वो एक मुल्क को ट्रांज़िट नहीं करेगी तो वो कौन सा मुल्क है सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज रशिया नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड चाइनाज डिसीजन टू सेंड वारशिप्स एंड एयरक्राफ्ट नियर ताइवान ऑन अप्रैल सेवन 2023 ट्वेंटी सात अप्रैल 2023 को चाइना ने एक बार फिर से ताइवान के करीब अपने वारशिप्स और एयरक्राफ्ट भेजे थे तो इसके पीछे वजह क्या थी सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ आफ्टर प्रट साई एंगवन एंगर्ड बीजिंग by मीटिंग यूएस हाउस स्पीकर केवन McCarthy, पिछले हफ्ते ताइवान की प्रेजिडेंट साई एंगवेन यूएस चली गई थी और वहाँ पर उसकी मुलाकात यूएस हाउस स्पीकर Kevin McCarthy के साथ प्लान थी चाइना ने वार्न भी किया था कि आपने यूएस हाउस स्पीकर के साथ मुलाकात नहीं करनी है लेकिन उसके बावजूद इनकी मुलाकात हो गई तो चाइना ने इसकी वजह से एक बार फिर अपने वारशिप्स और एयरक्राफ्ट जो है वो ताइवान के करीब भेजे थे नेक्स्ट What is द एलिगेशन मेड अगेंस्ट टेस्ला इन अ prospective क्लास एक्शन lawsuit फाइल्ड by अ California टेस्ला owner ऑन अप्रैल 7, ट्वेंटी थ्री सात अप्रैल दो हज़ार तेईस को कैलिफोर्निया के एक टेस्ला अनर ने टेस्ला के खिलाफ एक क्लास एक्शन लासूट फाइल किया है तो उसमें एलिगेशन किया है उसके सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज वायलेटिंग द प्राइवेसी उसने टेस्ला पर यह एलिगेशन लगाया है कि ये कस्टमर्स की प्राइवेसी वायलेट कर रही है टेस्ला बेसिकली एक कंपनी है एलान मस्की जो कि रिचार्जेबल गाड़ियाँ बनाती है और सालर पावर गाड़ियाँ बनाती है यह इसमें जो ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं वो खुदकार गाड़ियाँ हैं मतलब वो खुद से चलती है रोबोटिक टाइप गाड़ियाँ हैं तो उसमें बहुत सारे कैमरेज लगे होते हैं तो अभी ये बात सामने आई है कि उन कैमरों की मदद से उन्होंने अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी लीक की है 2019 से लेकर 2022 के बीच में उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स की है और फिर टेस्ला कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो अपने बंदे हैं वो एक दूसरे को ही वो वीडियोज़ और मैसेजेस जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये बात अब सामने आई है कि ये तो प्राइवेसी की वायलेशन कर रहे हैं तो इसी वजह से इस बंदे ने ये लासूट जो है ये फ़ाइल किया है यहाँ पर एक बात है कि क्लास एक्शन लासूट क्लास एक्शन लासूट का मतलब ये होता है कि एक बंदा होता है वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो पूरा क्लास जो है जाके केस नहीं फाइल करता लेकिन एक बंदा उसी पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और वही जाके जो है केस फाइल करता है तो इसी वजह से इसके लिए यूज हुआ है क्लास एक्शन ला सूट नेक्स्ट इज वट वाज द चार्ज फाइल्ड अगेंस्ट यू एस रिपोर्टर ईवान गेस्कोच बाई इन्वेस्टिगेटर्स ऑन अप्रैल सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सात अप्रैल दो हजार तेईस को रशियन इन्वेस्टिगेटर्स ने एक यू एस रिपोर्टर इवान गशकोवेच पर कुछ चार्जेस फाइल किए हैं तो वो चार्जेस कौन से हैं सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ स्पिनाच स्पिनाच का मतलब ये है कि दूसरा एक बंदा जो है वो दूसरे मुल्क में जाके जासूसी करता है तो इवान पर ये चार्ज है कि वो स्पिनाच के लिए रशिया आया था सात अप्रैल दो हजार तेईस को पीसीबी ने किस बंदे को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच अपॉइंट किया है सो द करेक्ट ऑप्शन ग्रांट ब्रेडबर्न नेक्स्ट इज वट वाज द रीजन फॉर इंडोनेशिया बींग स्ट्रिप्ट ऑफ द होस्ट स्टेटस फर दिस ईयरस अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड कप रिज़ल्टिंग इन फ़ीफा फ्रीजिंग द डिवलपमेंट फंड एलोकेटेड फॉर इट्स फुटबॉल एसोसिएशन इस साल अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड कप इंडोनीशिया में मुनदद होना था इट वॉज़ केजुल टू बी हेल्ड इन इंडोनेशिया लेकिन फीफा ने इंडोनीशिया से ये होस्ट वाला स्टेटस चीन लिया है और इसके अलावा जो इंडोनीशिया का जो फ़ुटबॉल एसोसिएशन है उसके लिए जो डिवलपमेंट फंड एलोकेट किए थे फ़ीफा ने अब उसको भी फ्रीज़ किया गया है तो इसके पीछे रीजन क्या है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज रिफ्यूजल फॉर द गवर्नर ऑफ बाली टू होस्ट इसराइल फुटबॉल टीम जो अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड कप होना है उसमें एक टीम इसराइल की भी है तो बाली बेसिकली एक प्राविंस है इंडोनेशिया में तो बाली के प्राविंस का जो गवर्नर है उसने रिफ्यूज़ किया है कि वो इसराइल फ़ुटबॉल टीम को इधर होस्ट नहीं करेगा तो इसी वजह से फीफा ने हो स्टेटस भी चीन लिया है और अभी जो डेवलपमेंट फंड है वो भी फ्रीज़ किया है नेक्स्ट इज़ हु इज़ प्लानिंग टू विजिट यमन कैपिटल सना नेक्स्ट वीक टू नेगोशिएट अ परमनेंट सीज फायर डील विद ईरान इलाइन हाउथी ऑफिशल्स एंड इन एन एंड एट ईयर ओल्ड कन्फ्लिक्ट दियर आपको पता है कि यमन में पिछले आठ साल से कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें एक ग्रुप को सऊदी सपोर्ट कर रहा है और दूसरे ग्रुप को ईरान सपोर्ट कर रहा है जिस ग्रुप को ईरान सपोर्ट, सपोर्ट कर रहा है उसको हाउथीज़ कहते हैं तो अभी किस मुल्क के इन ने ये डिसाइड किया है कि वो यमन का जो कैपिटल है सना वो जाएंगे वहाँ जाएंगे और वहाँ पर वो निगोसिएशन करेंगे परमानेंट सीज़ फायर की होती अफिशियल्स के साथ तो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ सऊदी एंड ओमानियाल नेक्स्ट इज़ हो इज़ सेट टू बिकम द फर्स्ट वमन एंड पर्सन ऑफ कलर टू डायरेक्ट अ स्टार वार्स फिल्म कौन सी शख्सियत पहली ख़ातून होगी और इसके साथ साथ फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर होगा जो कि स्टार वार्स फिल्म डायरेक्ट करेगी सो द करेक्ट ऑप्शन यर इज़ शर्मीन उबैद चनोई शर्मीन उबैद चनोई बेसिकली पाकिस्तानी है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है कनेडियन सिटीजनशिप भी इसके पास है इसने बड़े अच्छे जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट किए हुए हैं जिस तरह सेविंग फेस हो गया गर्ल इन द रेवर हो गया इसके अलावा इसको आस्कर अवार्ड्स भी मिले हैं अब ये स्टार वार्स फिल्म को डायरेक्ट करेगी स्टार वार्स यहाँ पर एक और बात है पर्सन ऑफ कलर पर्सन ऑफ कलर का मतलब ये है कि जो बंदा वाइट ना हो उसको पर्सन ऑफ कलर कहा जाता है तो इससे पहले स्टार वार फिल्म जो है वो न किसी औरत ने डायरेक्ट की है और न किसी पर्सन ऑफ कलर ने डायरेक्ट की है तो अभी शर्मीन उबेद चेन्नई जो है ये पहले वुमेन होगी जो कि ये स्टार वार फिल्म को डायरेक्ट करेगी क्वेश्चन इज़ which country's diplomatic delegation arrived in Tehran on April 8, 2023 to discuss the reopening ऑफ इट्स diplomatic missions आफ्टर a सेवन ईयर absence. किस मुल्क का डिप्लोमेटिक डेलीगेशन आठ अप्रैल 2023 को तेहरान पहुंच गया है और इस डेलीगेशन का मकसद ये है कि जो डिप्लोमेटिक मोशन है इस मुल्क के वो तेहरान में रीओपन करें सो द आंसर ईयर इज सऊदी अरबिया नेक्स्ट इज वट डेट इसराइली जट्स हेट ऑन अप्रैल नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन रिस्पांस टू राकेट्स लॉन्च टूवर्ड्स इसराइली कंट्रोल टेरेट्री वरनाइट नौ अप्रैल दो हज़ार तेईस को इसराइली जट्स ने कौन सी जगह पर बमबारी की है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयरज सीरियन मिलिट्री टारगेट्स यहाँ पर नीचे एक ट्वीट दिया गया है इसराइली डिफेंस फोर्सेज का इनका कहना है कि चूंकि सीरिया की तरफ से इनकी टेरिटरी पर मिजाइल लॉन्च किए गए थे तो इसके रिस्पांस में इनके जट्स ने सीरियन मिलिट्री टारगेट्स को हेट किया हुआ है नेक्स्ट इज विच कंट्री वॉज कार्ड अपान बा इराकी गवर्नमेंट टू अपलोजा फॉर एन एलेज अटैक ऑन सुलेमानिया एयरपोर्ट इन नार्दर्न इराक इराकी हुकूमत ने किस मुल्क को अपने सुलेमानिया एयरपोर्ट जो कि नार्दर्न इराक़ में है उस पर अटैक करने के लिए मुआफ़ी मांगने को कहा है सो द करेक्ट ऑप्शन इज टर्की इराक का कहना है कि टर्की ने ड्रोन अटैक किए हैं उसके सुलेमानिया एयरपोर्ट पर जो कि नार्दर्न इराक में है हालांकि टर्की ने डिनाई किया है कि उन्होंने इस तरह की कोई अटैक नहीं की है नेक्स्ट इज वट डेट नॉर्थ कोरिया क्लेम टू हैव टेस्टेड ऑन अप्रैल एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन रिस्पांस टू साउथ कोरियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ड्रिल्स साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं तो इसके रिस्पांस में नॉर्थ कोरिया ने आठ अप्रैल दो हज़ार तेईस को किस चीज़ को टेस्ट करने का क्लेम किया है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन नॉर्थ कुरिया ने क्लेम किया है कि इन्होंने अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन का टेस्ट किया है जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये झूठा क्लेम है बट एनी वे नॉर्थ कोरिया ने ये क्लेम किया हुआ है नेक्स्ट इज़ विच अम्पायर हैज़बीन नामिनेटेड बाई द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर द आई सी सी इंटरनेशनल पैनल ऑफ अम्पायर्स इन प्लेस ऑफ एहसन रजा हु हैज़ बीन प्रमोटेड टू द आई सी सी एलीट पैनल ऑफ़ अम्पायर्स पाकिस्तान का ऐसा रज़ा रिसेंटली आईसीसी सी पैनल ऑफ अंपायर्स को प्रमोट हुआ है तो अब उसकी जगह पाकिस्तान ने आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स के लिए किस बंदे को नामिनेट किया है सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज अलीम डार नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल हैज़ बिगिन ऑन अप्रैल नाइन ट्वेंटी एट नानकाना साहिब नानकाना साहिब में अप्रैल नौ दो को कौन सी फेस्टिवल की शुरुआत हुई है सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ बैसाखी फेस्टिवल बैसाखी फेस्टिवल बेसिकली सिख और हिंदू दोनों ये ये फेस्टिवल मनाते हैं इसका जो मेन फेस्टिवल है दैट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल लेकिन अप्रैल नाइन से ये शुरू हुआ हुआ है और ये दस दिन तक जारी रहेगा नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट हेलन द आंग गोइंग रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक को रिजल्ट इन अ लेंडिंग बूस्ट ऑफ हाउ मच ओवर द नेक्स्ट डिकट यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट हेलन के मुताबिक जो ऑन गोइंग रिफॉर्म्स है वर्ल्ड बैंक के तो उसके रिजल्ट में जो लेंडिंग बूस्ट है अगले डिकेड में मतलब अगले दस साल में तो वो कितना होगा सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज फिफ्टी बिलियन डॉलर्स. नेक्स्ट इज़ हु वॉज द लास्ट लिविंग प्रोसिक्यूटर फ्रॉम द न्यूरम्बर ट्राइज हु ट्राइड नाजीज फॉर जिनेसाइडल वॉर क्राइम्स एंड हैज़ रिसेंटली पासड अवे एट द एज ऑफ नाइन्टी थ्री कौन सा शख्सियत न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स का सबसे आखिरी लिविंग प्रोसिक्यूटर था जो कि अभी रिसेंटली तिरानवे साल की उम्र में फौत हो गया है न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स बेसिकली 1945 में जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये न्यूरम्बर ट्रायल्स वाली कमेटी बनी थी और इनका बेसिकली मकसद ये था कि वो नायजीज़ जो कि जो निसाइडल वार क्राइम्स में शामिल है उनकी ट्रायल किया जाए तो अभी ये कौन सा आखिरी बंदा है जो कि मर गया है सो द करेक्ट ऑप्शन शनी अरेज़ डेन फ्रेंगस नेक्स्ट इज विच क्रिश्चियन फेस्टिवल इज बीग सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नौ अप्रैल दो हजार तेईस को कौन सा क्रिश्चन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज ईस्टर क्वेश्चन इज वट इज द वैल्यू ऑफ़ द स्टेक दैट इमीरेट्स टीली कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी इतिसालत प्लान टू बाई इन द सुपर एप डिवेलप्ड बाई उबर टेक्नोलॉजीज एंड इट्स सब्सिडियर करीम ऊबर टेक्नोलॉजीज़ और इसका जो सब्सिडियर है करीम इन्होंने एक ऐप डिवेलप की है सुपर एप के नाम से जो कि इस वक्त सिर्फ़ दस ममालिक मेंेशनल है और आहिस्ता आहस्त बाकी ममालिक में भी ये ऑपरेशनल हो जाएगा इस ऐप के ज़रिए आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते आप लॉन्ड्री भी कर सकते हैं इसके जरिए इसके ज़रिए शॉपिंग भी कर सकते मतलब आप बहुत कुछ कर सकते इस ऐप के ज़रिए तो इमेरेट्स की जो टेली कम्यूनिकेशन ग्रुप कंपनी है इतिसालत के नाम से इन्होंने रिसेंटली प्लान किया है कि ये इस ऐप में स्टेग खरीदेंगे तो जो स्टैग ही खरीदेंगे इसकी वैल्यू कितनी है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज 400 मिलियन डॉलर नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रीजन फॉर इंडिया टू डे फ्रॉम ट्रेड टास्क विद ब्रिटेन इंडिया ने ब्रिटेन के साथ ट्रेड टास्क जो है वो स्टॉप किए हुए हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज ब्रिटेन फेल टू कंडम द सिक्स सेपरेटिस्ट ग्रुप इंडिया का कहना है कि बार बार कहने के बावजूद ब्रिटन ने जो सिख सेपरेटिस्ट मोमेंट है खालिस्तान के नाम से इसको कंडम नहीं किया है आपको पता है कि पिछले महीने जो इंडियन स्टेट है पंजाब उसमें एक सिख लीडर है अमृतपाल सिंह उसके पीछे पंजाब पुलिस पड़ी हुई थी तो इसके खिलाफ पूरे दुनिया में जो सिख कम्यूनिटी है उन्होंने किए और इस मुजाहरे के दौरान सिख कम्यूनिटी जो है वो जो इंडियन एम्बेसी है लंदन में उस पर भी, भी चढ़ता उड़ाया और वहाँ पर खालिस्तान मोमेंट का जो फ्लैग है वहाँ पर वो भी लहराया गया जिस पर इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किए नेक्स्ट इज हाउ मेनी पिलग्रम्स क्रॉस द वागा तारी बॉर्डर ऑन फुट टू एंटर पाकिस्तान टू सेलिब्रेट बेसाखी बेसाखी के त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए कितने पिलग्रम्स वागा तारी बॉर्डर के ज़रिए पैदल पाकिस्तान दाखिल हुए सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवनटी यानी चौबीस सौ सत्तर टोटल तीन हज़ार वीजा जो है वो पिलग्राम को इशू हुए थे इसमें से चौबीस सौ सत्तर पेलग्राम जो है वो पाकिस्तान आ गए नेक्स्ट इज वाट इज द इनिशियल एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मीगा पार्क बैटरीज दैट टेस्ला विल टेस्लाफैक्चर इन इट्स न्यू फैसिलिटी इन शंघाई टेस्ला ने शंघाई चाइना में अपनी एक नई फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है जो कि इनका कहना है कि 2024 के सेकंड क्वार्टर में ऑपरेशनल होगी तो इसका एनुअल प्रोडक्शन कितना होगा सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज टेन थाउजेंड मीगा पैक यूनिट्स पर ईयर इनका कहना है कि जो इनिशियल ईयर्स है इनमें जो प्रोडक्शन है दैट विल बी टेन थाउजेंड मीगा पैक यूनिट्स पर ईयर और इसके बाद ये प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता जाएगा नेक्स्ट इज़ वट इज़ द नेम ऑफ द बिल टेबल्ड बाई फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन अप्रैल टन टवेंटी ट्वेंटी थ्री सीकिंग द रिलीज ऑफ फंड फॉर होल्डिंग एलेक्शन इन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंटली डिसीजन दिया है इलेक्शन करवाने के लिए तो उस सिलसिले में पंजाब और खैबर पखतनख्वा में इलेक्शन करवाने के लिए फ़ंड रिलीज़ करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने एक बिल टेबल किया है दोनों हाउसेज़ ऑफ द पार्लियामेंट में 10 अप्रैल 2023 को तो उस बिल का नाम क्या है सो द करेक्ट ऑफन ईयर चार्ज सम फॉर जनरल इलेक्शन प्रावेंशल असम्बलीज पंजाब एंड खैबर पखतनख्वा बिल 2023 और इस बिल का जो टोटल हुजम है दैट इज़ ट्वेंटी वन बिलियन रुपीज़ इलेक्शन कमीशन ने जो अंदाज़ा लगाया है तो उनके एस्टिमेट के मुताबिक इस इन इलेक्शन पे इक्कीस अरब का खर्चा आएगा नेक्स्ट इज़ हु हैज़ कन्फर्म हिज इंटेंशन टू स्टैंड फॉर अ सेकेंड टर्म इन दू एस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट रिसेंटली एक यू एस पॉलिटिशियन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया है कि वो यूएस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन के लिए दूसरे टर्म के लिए कड़ा होगा सो so द ये बंदा कौन है सो द करेक्ट ऑप्शन यर इज यू एस प्रेजिडेंट जो बाइडन इससे पहले चुई मगोया हुई रही थी कि शायद जो बाइडन जो है वो सेकंड टर्म नहीं रन करेगा लेकिन अभी उसने कन्फर्म किया है कि ही वे स्टैंड फॉर अ सेकंड टर्म ऑफ यू एस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन नेक्स्ट इज वी आर वर फोर हंड्रेड माइग्रेंट्स एड्रेफ्ट बोट लोकेटेड बिटवीन इटली एंड माल्टा इटली और माल्टा के बीच में कहाँ पर चार सौ माइग्रेंट्स एड्रेफ्ट हुए हैं जो कि एक बोर्ड पे सवार थे सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज मेडिटेरेनियन सी बिटवीन इटली एंड माल्टा माल्टा और इटली के दरमियान एक सी है जिसका नाम मेडिटेरेनियन सी है तो वहाँ पर ये 400 हंड्रेड माइग्रेंट जो है ये एड्रेफ्ट हुए हैं और बताया जा रहा है कि इस बोर्ड पर टोटल कोई आठ सौ के करीब माइग्रेंट्स थे हियर इट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट टाइम स्टेबलेस्ट